भाइयों बहनों, एक भी भारतीय विकास से दूर रहे ये भी भारत को मंजूर नहीं है। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। आप समझ गए, ये विषय है आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। वहां की महिलाओं, बच्चों, दलितों के साथ हो रहा भेदभाव खत्म हो गया है। साथियों, हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस, लोअर हाउस दोनों में घंटों तक इस पर चर्चा हुई, जिसका देश और दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ। भारत में हमारी पार्टी के पास अपर हाउस यानी राज्यसभा में बहुमत नहीं है, बावजूद इसके हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ने इससे जुड़े फैसलों को 2/3 बहुमत से पास किया है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं हिंदुस्तान के सभी सांसदों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है। जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है, इन लोगों ने भारत के प्रति
नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। उनकी पहचान सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? साथियों, अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। मैं यहां पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। एक बार आतंक के खिलाफ लड़ने का राष्ट्रपति ट्रंप का जो मनोबल है, हम सब मिलकर के उनको भी स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। थैंक यू दोस्तों।